मित्रों, हम लोग जो है मैथ के पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे, जो आपके 2015 यूपी लेखपाल में आए हुए क्वेश्चन थे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन तक कर लिया था। आगे हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, आपको इसके पहले, अगर आप फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके पहले पार्ट को जरूर देखें। उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए हम लोग 11 नंबर को देखते हैं। और 11 नंबर में मित्रों क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। मित्रों, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 है, और ध्यान रखना ये एक्स है। क्या है? एक्स है। तो यहाँ दे रहा है यक्ष के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। ध्यान रखने, बहुलक क्या होता है? जिसकी बारंबारता, जो भी टर्म्स है, जो भी पद है, वो अगर अधिक बार आया है तो वही क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। मतलब कि जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी वही पद क्या कहलाएगा? आपका बहुलक हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि अब कौन से पद जो है सबसे ज्यादा बार है। देखिए, पद क्या है, 25 भी है, 26 भी है, 27 भी है, 23, सारे पद हैं। अब देखिए कौन सबसे ज्यादा बार आया है। देखिए, यहाँ 25 एक बार आया है, और 25 कहीं आया है, 2 बार आया है, और 3 बार है। तो 25 3 बार आया है। अब 26 को देखें तो 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। तो सर, ये भी 3 बार आया, मतलब तीन तीन बार हो गया। अगर हम देखें 27 को, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, अब तीनों बराबर हो गए। अब प्रॉब्लम हो गई किसको लेंगे। लेकिन यहां बता दिया है कि बहुलक 27 है, इसका मतलब कि बहुलक सबसे ज्यादा बार 27 आया होगा। इसका मतलब 3 बार तो सब आए, चौथी बार भी 27 आया होगा। मतलब यहां भी 27 आएगा, इसका मतलब एक्स के स्थान पर भी 27 रहा होगा। इसलिए सबसे ज्यादा बार 27 होगा, क्योंकि बहुलक वही होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, और सबसे ज्यादा बार 27 है, इसलिए एक्स का मान क्या होगा? 27 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, एंगल ट्रायंगल की बात किया, त्रिभुज की बात किया। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर 90, मतलब यहाँ समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, जिसमें ए बराबर इतना, बी बराबर इतना सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है टैन बी का मान। यहाँ बी है तो टैन बी का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका कितना आसान से बताते हैं। देखो, त्रिभुज से संबंधित है, तो आप इसको जो है क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो हम लोग आपको पढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर है, ये क्वेश्चन है। देखिए, ये हम अगर ये ट्रायंगल बना लिए, तो ट्रायंगल में रिजर्व किया है, और रिजर्व कितना किया है, एंगल ए बराबर यहाँ 90। तो यहाँ ए ले लेंगे, ये 90 अंश का सिंबल होता है। अब इसको भी कहीं रख लीजिए, जैसे इसको ए रख लिया, इसको बी ए बी सी रख सकते हैं। अब ध्यान रखना है बी के सामने ये है, तो बी के सामने ये सी यहाँ 7 हो जाएगा, मतलब ये बी भुजा हो जाएगी। इसको चाहे आप ऐसे रखिए, बी रख देंगे। ए के सामने है तो ए यहाँ रख देंगे, और सी के सामने है तो यहाँ सी रख देंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका, ए के बराबर और बी के बराबर 7 है। मतलब सी का मान हमें निकालना है। क्या निकालना है? सी का। क्यों निकालेंगे? क्योंकि टैन में लंब और आधार आता, तो लंब बटे आधार, ये कोण ले रहे हैं, इसका मतलब लंब बटे आधार। आधार पता ही नहीं है तो हमें आधार निकालना पड़ेगा। होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, कर्ण तो ए ही है, इक्वल में क्या होता है, बी मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार मतलब सी का स्क्वायर। ए का मान 25 है तो 25 का स्क्वायर, बी का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, 625 हो जाएगा, और ये बराबर 49 हो जाएगा। इधर जाएगा तो घट जाएगा, ऐसे घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 15, 15 में से यहाँ 6 आ जाएगा, 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ 5 बचेगा, और बराबर कितना, सी के स्क्वायर। 576 किसका वर्ग होता है, 576 24 का वर्ग होता है, नहीं तो आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 576, और ये 24 का वर्ग है, तो सी का मान 24 आ गया, इसका मतलब आधार भी 24 आ गया। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर लाल बटे कक्का याद है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है,
लाल बत्ती कक्का याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो इसको समझना अच्छे से चाहते हैं, हम हाई स्कूल की कुछ वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पर डाले हुए हैं, जो वहां यही चीज वहां पढ़ाया गया है। बेसिक पहला चैप्टर इस पे डिपेंड है, ठीक है, वहां आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ टेन बी, तो टेन बी बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब बटे आधार, और लंब कितना हो जाएगा, और ये देखिए साइन होता है तो लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, और ये टैन होता है तो लंब बटे आधार। लंब कितना है 7 है, आधार कितना है 24 है, तो 7/24 आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित है, और आपको पढ़े होंगे छोटी क्लास में, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुड़े मासा, पढ़े हैं ऐसा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुड़े मासा, यही फार्मूला लगाना है। दो संख्याओं का गुणनफल, माना पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी बराबर लासा गुड़े मासा, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखिए जो जो दिया वही रखो, एचसीएफ एलसीएम दिया है तो यहां क्या रख देंगे, एलसीएम दिया है 2 24 48, एचसीएफ दिया है आपका 12 दिया है, जहां जो दिया होगा और दिया है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, पूरा नहीं करना है आपको। फिर आना चाहिए क्या कह रहा है, इन दोनों संख्याओं का अंतर, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्या क्या माने हैं, ए और बी, मतलब ए और बी का अंतर भी दे रहा है। ए और बी का अंतर कितना है, अंतर 60 है, कितना है 60 है। अब देखिए क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, अब इसको अगर हम विस्तृत करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ए प्लस बी का मान निकालना पड़ेगा। लेकिन एक हमारा तरीका है जो बहुत आसान आपको लगेगा, तरीका क्या होगा, इनका ऐसा फैक्टर बनाएंगे कि घटाने पर कितना आ जाए 60 आ जाए। तो देखिए इसको 12 से काटिए, तो 12 2 9 24, 12 से कट जाएगा, 12 2 9 24 और 12 6 48, 12 2 9 24 और 12 6 48, गुड़े में यहां 12 आ जाएगा और 12 यहां 12 आ जाएगा। अब इसका अगर गुणा करें, दो फैक्टर बनाना है, मतलब दो संख्याएं गुणे में ऐसी बनाना है जिनका गुणनफल तो इतना इनके बराबर है, गुणे के बराबर, लेकिन इसका अंतर मतलब घटाना कितना है 60 है। देखिए हम इसको जब 12 2 9 24 कर दिए तो 12 6 48 204 आ गया, 12 12 का गुणा कर लेंगे 144 हो जाएगा, और यहाँ ए 204। अगर दोनों का अंतर 60 हो जाता है तो मतलब दोनों संख्या में पता हो गई, ठीक है। देखिए अब बताइए अंतर, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, यहां 0 में 6 नहीं 4 नहीं घटेगा, देखो उधार लेंगे बचेगा, यहां 10 10 में 4 जाएगा तो 6 आ गया, और यहां 1 1 में 0, मतलब अंतर 60 बन रहा है। अगर अंतर 60 बन रहा है इसका मतलब हमें संख्या पता हो गई। अब हमें क्या कह रहा है, इसका मतलब ए बराबर पता चल गया 204 और बी बराबर पता चल गया 144। अब हमसे पूछा क्या है, तो संख्याओं का योगफल मतलब दोनों का जोड़, तो 4 4 8 दोनों का योग कर देंगे, तो 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 348। 348 किसी में है ऑप्शन, हाँ पहला ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग कर लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन दिया है मेंसुरेशन से, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो देखिए मेंसुरेशन से क्वेश्चन भी आए हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग अगर देखें, चलिए मित्रों स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला चैप्टर, तो आप कमेंट जरूर करें कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, मित्रों आप कमेंट जरूर करें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक आपके जो है आप लाइक करें वीडियो को, ठीक है। आइए क्वेश्चन को इस लोगो देखते हैं, तो दे रहा है यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप, देखिए मेज बनाइए, देखिए मेज है तो मेज हमेशा कैसा होगा, मेज हमेशा कैसा होगा, आपको मित्रों पता है आयताकार होता है, कैसा होता है, ऊपरी सिरा कैसा होता है, आयताकार होता है। मान लेते ये मेज बना लिए और यहां से आप डंडी लगा सकते हैं अपने, तो ये मेज अगर बन गया मित्रों, ये अगर मेज बन गया मित्रों, ये अगर मेज बन गया मित्रों, तो आप ध्यान रखें, मान लेते इसका ऊपरी सिरा ही हम लेते हैं, ठीक है, 3D है तो समझाया यहां नहीं जा सकता। देखिए इसका परिमाप मतलब ये आयताकार, ये L और इसको हम B मान लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं,
इसका परिमाप दिया, जो दिया जाए तुरंत लगाओ। आयत का परिमाप क्या होता है, दो इन ब्रेकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। तो कैसा कितना दिया, 28 दिया है, तो यल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, जब दो से काट लेंगे तो दो एक कम दो 14, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का योग 14 आ गया। आगे देखिए, इनका क्षेत्रफल 48 है, तो मेघ के कर्ण की लंबाई, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई एल माने हैं, चौड़ाई बी माने हैं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई जो दिया जाए उसी का फॉर्मूला। तो दिया क्या है, क्षेत्रफल दिया है, आप देख रहे हैं यहाँ क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। अगर हमें क्षेत्रफल दिया जाएगा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, और क्षेत्रफल हमें 48 दिया है तो यहाँ 48 रख दिए। अब हमें क्या निकालना है, कर्ण की लंबाई निकालना। देखिए कर्ण मतलब ये, और कर्ण होता क्या अंडर रूट में, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब एल और बी निकाल लिए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं निकालने में। देखिए अब ऐसे करेंगे कैसे वो ध्यान रखना है, वही तरीका इसके पहले वाले क्वेश्चन आ गया, इसका यूज हम कई जगह करेंगे। मतलब ए प्लस बी का मान, अगर यल प्लस बी का मान पता है, अगर हम यल माइनस बी का मान निकालें तो वो लॉन्ग तरीका हो जाता है, लेकिन मैं ऐसे भी निकाल सकते। इसका ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर कितना है, 14 है, तो आपको पता है 12 चौक 48 होता है, और 12 चार 16 हो जाता है, तो बड़ा हो गया। फिर और सोचिए, और सोचिए, और सोच सकते हैं आप क्या, हाँ आठ छंग भी 48 होता है ना, आठ छंग 48 मतलब 8 और 6 और 8 6 14 होगा, और इसका मतलब L का मान, L का मान 8 6 14 ना, तो L का मान कितना हो गया, 8 आ गया, और B का मान कितना आ गया, 6। कंडीशन क्या है, दोनों का गुणा करेंगे 48 बनना चाहिए, और जोड़ने पर 14 बन रहा है, हमारा फैक्टर राइट है। L और B पता हो गया, तो अंडर रूट में अगर इसके हमें कर्ण निकालने हैं तो कर्ण के लिए क्या कर लेंगे, लंबाई 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 36 जोड़ देंगे 100, और वर्गमूल निकालेंगे 10, 10 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा वीडियो। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है। यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से इतना अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या है, मतलब व्यास मतलब त्रिज्या निकालेंगे और दुगना कर देंगे, वही व्यास होता है। जैसे आप समझ लीजिए ऐसे, ये वृत्त है तो ये व्यास होगा, मतलब त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। तो समझिए वृत्त की परिधि उसके व्यास से अधिक है, मतलब परिधि अधिक है व्यास से, तो परिधि का फॉर्मूला पहले माइनस व्यास मतलब त्रिज्या का दो गुना, त्रिज्या में दो से गुणा कर देंगे व्यास हो जाएगा। परिधि जो है व्यास से अधिक है, मतलब दोनों बीच के अंतर कितना है, 18.6 है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है तो 2r अगर हम यहाँ कॉमन कर लें, और 2r जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पाई माइनस में 1 बचेगा, और बराबर में 18.6। पाई का मान आपको पता है, पाई का मान आप रख सकते हैं कितना, पाई का मान रख सकते हैं 22/7। तो हम इसको आगे करते हैं, आगे करेंगे तो मित्रों 2r का मतलब क्या, व्यास ही होता है, चाहे हम डीवी लिख सकते हैं यहाँ, और यहाँ जब रखेंगे तो 22/7 माइनस 1 हो जाएगा, और बराबर में 18.6। आगे मित्रों क्या करेंगे, यहाँ हम 2r और 2r इंटू क्या हो जाएगा, जब 7 का गुणा इधर हो जाएगा मित्रों, तो 7 का गुणा 22 में 7 घट जाएगा और 15 आ जाएगा, और 15/ कितना हो जाएगा, 7, बराबर कितना मित्रों, 18.6 हो जाएगा। मित्रों अगर हम 2 से नहीं काटेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, तो मित्रों ये क्या हो जाएगा, 7 का गुणा इधर हो जाएगा और 15 कहाँ लग जाएगा, मित्रों भाग में लग जाएगा। मीन्स अगर हम कहें तो 2r इज इक्वल कितना आ जाएगा, 18.6 गुणे में 7 बटे में कितना आ जाएगा, 15, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15/7 22 होता है। ठीक है, ठीक है, अगर हम अब काटें इसको तो काट सकते हैं, और काटेंगे, देखिए काटते हैं इसको 15 से काटेंगे, चाहे आप बुरा करके काटिए तो आसान रहेगा आपको। और ध्यान रखना है अंतिम अंक, देखिए 4 है, 4 है, 8 है, 8 है, मतलब 4 है। देखिए इसको फिर हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट ये हो जाता है कि हम गुणा करके करेंगे। ठीक है, तो 7 6 42
7×6 42 और 7×8 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 56 60 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7×1 7 और 7×6 13 हो जाएगा, और एक अंक भी दशमलव लगा देंगे और भाग 15 का लगा देंगे, आप भाग दे दीजिए। ठीक है, तो जब भाग देंगे तो 15×1 देखिए 15 से कटेगा, तो 15×9 135, ठीक है, 15×9 135 ज्यादा हो जाएगा, 15×8 120 हो जाएगा, और 15×8 120 यहाँ लिखेंगे, माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 10, फिर यहाँ 2 उतार लेंगे। ठीक है, मान लो आपके पास दशमलव है ही नहीं, ऐसा भूल जाओ कुछ समय के लिए, बाद में उसको कर लेंगे, एक अंक दशमलव था। ठीक है, प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो देखिए 15×7 105 ज्यादा हो जाएगा, 15×6 90, 15×6 90, फिर यहाँ कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2, और यहाँ कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ 1 आ जाएगा, और दशमलव है, ध्यान रखना है, जब दशमलव लगा लेंगे तो 1 0 फिर बढ़ा सकते हो, 15×8 120 हो जाएगा, और यहाँ 1 अंक पे दशमलव पहले बढ़ाए, 1 अंक पे पहले था, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 8 दशमलव कितना आ जाएगा, 8.68, 8.68, मतलब हमारा भागफल कितना है, 8.68, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, ध्यान रखना, 2R के बराबर है, 2R मतलब व्यास, व्यास मतलब डायमीटर ऑफ सर्कल, डी ले लिए इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हम 2 इधर नहीं डिवाइड में लगाए, आप ध्यान रखेंगे इसको। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, किसी संख्या में 8% जोड़ने पर और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, मतलब इतना अगर जोड़ेंगे और इतना घटाएंगे तो अंतर कितने का आएगा, 8 जोड़ने से और 3 घटाने से अंतर कितने का आता है, 8×3 11 का अंतर आता है, और 11 का अंतर को कितना बता रहा है, 407। अंतर मतलब जोड़िए उतना, उतना घटाइए, तो मतलब 8 उतना है और इतना क्या है, घटाने पर दोनों के बीच का अंतर, ये प्लस हो दूसरा माइनस हो तो उनके अंतर हमेशा जुड़ जाएंगे, मतलब 8 और 3 जुड़ गया तो 11, और इस अंतर को 407 बता रहे, 11 बराबर इतना हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा, 11×3 33 11 77 क्या हो जाएगा, 77। हम 100% कितना होगा, चूंकि 11% है ये, तो 100% जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3700, ये 100 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, 3700 ऑप्शन नंबर में क्या था, सी में था। ठीक है, तो आपका ये भी आंसर आ गया। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर मित्रों बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन भी आधारित है परसेंटेज पर ही है, लेकिन बहुत ही आसान तरीका बताएंगे आपको, फार्मूला रटाएंगे नहीं, एक भी फार्मूला आपको नहीं बताएंगे, बस फार्मूला मेंसुरेशन में तो आपको फार्मूला आना ही चाहिए, ठीक है, उसमें कुछ फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अर्थमेटिक में फार्मूला नहीं होगा, तो ध्यान रखना मित्रों इसमें क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए बजट से पहले किसी कार्य की कीमत 30% बढ़ाई गई और फिर बजट को 10% बढ़ाई जाती है, तो कार की कीमत कुल कितनी वृद्धि हुई, जब कुल की वृद्धि होगी, एक बार बढ़ाई जाएगी मतलब 30% बढ़ाई जा रही है, ये भी परसेंटेज है, तो प्लस 10% बढ़ाई जा रही है इसलिए भी प्लस, एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30×10 40 हो जाएगा, 40%, और दोनों को गुणा करके 100 से भाग लगाएंगे तो प्लस है तो प्लस 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 ही आएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये भी प्लस 3×3 3×3 प्लस आएगा, दोनों को इसमें जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब 43% इस पे प्रभाव पड़ेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मित्रों समझ में आ रहा होगा, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा, और ये क्वेश्चन जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है, उन्हें 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसे प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए ध्यान ये रखना है, इसका मतलब एक, देखिए बेचने का मतलब है सीपी कितने में किया और एसपी कितने में किया, सीपी ध्यान रखना है, अगर 10 वस्तु को 8 रुपए में अगर बेच रहा है, ध्यान रखना है 10 वस्तु को 8 रुपए में खरीद रहा है, बेच नहीं रहा है, खरीद रहा है, मतलब 1 वस्तु का दाम कितना होगा, तो
एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, अगर 10 वस्तु को 8 रुपए में, तो एक वस्तु 10/8 हो जाएगा, 8/10 हो जाएगा, और इसको 0.8 रुपए में, मतलब सीपी तो इतना रुपए हो गया, बेच एक वस्तु कितने में रहा है, 1.25 में, ठीक है। मतलब प्रॉफिट इसको हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, अगर हम प्रॉफिट निकालें तो हम क्या कर लेंगे, इसको बड़े में से छोटा घटा देंगे, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 0 गया तो 5, यहां 2 में से घटेगा ना, इसलिए 12, 12 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4, कितने अंक के दशमलव, 2 अंक के दशमलव, इसका मतलब इतना रुपए का उसको क्या होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 0.45 बटे कितने में हुआ, 0.80 में हुआ, घोड़े में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, 0 ऐसा लगा लेंगे। अब देखिए आंसर क्या आएगा, आंसर हमें निकालना है, और आंसर कैसे, देखिए आंसर को निकालना है, अब इतने में खरीदे थे और इतने में बेच दिए, ठीक है, एक बार माइनस को हम चेक कर लेते हैं, दशमलव से, देखिए दशमलव से दशमलव कट गया, इसका 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, इसका 0 से 0 कट जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा, देखिए 45 × 10/8 कितना 8 आ जाएगा, 2 × 4 = 8 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 20 = 22 हो जाएगा, और 4 आ जाएगा, इसको कर लेंगे तो सही बटा बना लीजिए, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 और 25 हो गया, 4 × 6 = 24 और 1/4 एक बचेगा, मतलब 56 सही, 1/4% का इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर मित्रों बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आया आपका जो है एसआई से क्वेश्चन पूछा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा है, और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं मित्रों कैसे करते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बहुत ध्यान रखना, जब 2 गुनी की बात करेगा तो यहीं से हम आसानी से कर लेंगे, एक को हम P मानेंगे, मतलब ये कैसे बांटेंगे, अगर 2 गुनी हो रहा है तो एक इधर और एक इधर, अगर 3 गुनी हो रहा है, देखिए इसी से हम और बता दे रहे, 3 गुनी हो रहा था एक इधर 2 इधर, 4 गुनी हो रहा था एक इधर 3 इधर, तो ध्यान रखेंगे, और पहला हमेशा P हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, साई मतलब साधारण ब्याज हो जाएगा, तो हर जगह यही करेंगे, यहां 2 गुनी हो रहा है इसका मतलब P भी कितना हो जाएगा 1, और यह साई भी कितना हो जाएगा 1, अब फार्मूला लगा दीजिए PRT SI × 100, ध्यान रखना है P 1 है, R हमें निकालना है, नहीं पता है, समय 10 वर्ष है, और यहाँ SI 1 है, 100 है, 0 से इसका 1 0 कट जाएगा, और R बराबर यहाँ 10% आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ये मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीका है इसको लगाने का, ठीक है मित्रों। चलो अगले क्वेश्चन में है क्या दिया मित्रों, अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी पे आधारित था, लेकिन ये किससे है, ये मिश्रण से आधारित क्वेश्चन है, और ध्यान रखना, यहां कह रहा है 300 ग्राम के चीनी के बिलियन में 40% चीनी है, इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए ताकि बिलियन में चीनी कितना है 50% हो जाए। देखिए इसको एक फार्मूले से हम कर सकते हैं, ध्यान ये रखना वो तरीका क्या लगेगा, जिसको मिलाया जाएगा उसकी हम बात नहीं करेंगे, जिसको मतलब जिसमें जो कांस्टेंट रहे, मतलब जिसको ना मिलाया जाए वो दूसरे भी मिश्रण में मात्रा में समान रहेगा, और पहले मिलाने के बाद भी मिलाने के पहले भी समान रहेगा। अब यहां देखिए तो 40% चीनी है, मिलाया क्या जा रहा है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए, मतलब चीनी मिलाने की बात कर रहा है, इसका मतलब पानी समान रहेगा, तो पानी अगर पहले चीनी 60% सॉरी चीनी अगर 40% है तो पानी कितना होगा 60%, ठीक है, और अगर यहां कितना हो जाए बिलियन में चीनी 50% हो जाए, मतलब 50% पानी होगा, यही बात करना है। जो लास्ट में हो जाए मात्रा, जो लास्ट में मात्रा रहेगी उसको कहां रखना है, नीचे रखना है, तो लास्ट में पानी कितना हो जाएगा 50, फिर दोनों का अंतर कितना है 10, तो 10 यहां लिख देंगे और गुणे कुल मात्रा लिख देंगे, और ये 0 से 0 काट लेंगे, 5 × 30 हो जाएगा, 60 ग्राम आ जाएगा। ये तरीका है, आसानी से हम कर सकते हैं, और फिर आप रेशियो से भी कर सकते हैं, वो तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं फिर भी बता देते हैं, अगर 40% क्या है यहाँ,
चीनी है तो पानी कितना हो जाएगा 60%, 0 से 0 काट लेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, और बाद में 50% चीनी हो जा रहा तो 50% पानी होगा, 0 से 0 काट लेंगे तो 5 1 5 मतलब 1:1। अब मिलाया जा रहा है क्या, चीनी चीनी मिलाई जा रही है, मतलब पानी समान होना चाहिए, और पानी पहले 3 था और पानी 1 हो गया तो 3 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 1 3 3 1 3, पानी तो समान हो गया लेकिन पहले चीनी 2 था अब 1 हो गया, मतलब 1 बढ़ाया गया। दोनों को मिलाने से मिश्रण बनता है, तो 2 और 3 मिलाने से मिश्रण बनेगा 3 और 5 हो जाएगा, और 5 का मतलब 300 ग्राम मिश्रण दिया है, मिलाई गई चीनी निकालना है तो 1 बराबर और 5 6 30 60 ग्राम, तो इस हिसाब से भी निकाल सकते। तो इस चैप्टर से कई क्वेश्चन आए हुए हैं, इस चैप्टर को भी हम करवाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया मित्रों। मित्रों अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जल्द। तो मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अब 3 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं और आपका कंप्लीट क्वेश्चन होता है जो आपके 2015 में यूपी लेखपाल में आए हुए थे क्वेश्चन। चलो मित्रों इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ दिया है 27 की पावर x = 1/3 की पावर x, तो 1/x^4 का मान क्या होगा, मतलब यहाँ x का मान निकालने तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, और 3 की पावर 3 होता है, 27 में क्या होता है 3 का क्या होता है घन होता है, यहाँ x लगा लेंगे, और यहाँ भी 9/5 में क्या कर लेंगे, यहाँ भी देखिए ध्यान से समझिए इसको, तो मित्रों क्या कर लेंगे 3 की पावर x, और ये 3 की पावर 2 होगा कि 9 की क्या होता है ऐसा होता है। फिर मित्रों यहाँ देखेंगे इन दोनों का क्या हो जाता है गुणा, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये ऊपर जब जाएगा तो इसकी घात का चिन्ह बदलता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा मित्रों, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -x (3)2, और गुणा अगर आधार समान है तो गुणे में घाते जुड़ती है, 3 आधार बराबर है इसलिए गुणे में घाते जुड़ जाएंगी मित्रों, तो यहाँ 3 की पावर 3x बराबर हो जाएगा 3 की पावर -x (+2)। मित्रों ध्यान रखना ये जुड़ तो गया, अगर ये दोनों आधार बराबर हैं तो घात बराबर हो जाता है, मतलब 3 की पावर x बराबर हो जाएगा -x बराबर प्लस में कितना हो जाएगा 2। मित्रों जब इसको सॉल्व करेंगे, मित्रों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मित्रों इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर तरफ आएगा तो अपना चिन्ह बदल देगा, 3x प्लस हो जाएगा x बराबर में 2, तो इधर लगा देते हैं मित्रों 4x बराबर कितना हो जाएगा 2, और x बराबर मित्रों हो जाएगा 1/2, तो x का मान 1/2 आ गया, तो अब इसी का मान निकालना है, तो मित्रों हम क्या करेंगे, क्या करेंगे मित्रों 1/2 की पावर 4, और 1/2 की पावर 4 में क्या हो जाएगा 2 का 2 दूना 4 दूना 16, मतलब 2 की पावर 4 का मतलब यहाँ 16, और इसका गुणा कहाँ हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा मित्रों 16 आ जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मित्रों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 5 सही 1/3, 4 सही 4/5, और 7 सही 1/8, 3/8 के योगफल में कौन सी भिन्न संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या हो जाए। देखिए यहाँ जो परिणाम जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो क्या होना चाहिए, एक होल नंबर के रूप में होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या का मतलब 5, 3, 2, मतलब भिन्न में ना आए, दशमलव भी ना जाए, वही होता है पूर्ण संख्या, जिसको हम क्या कर सके दशमलव में ना दर्शा सके, वही है पूर्ण संख्या। अब देखिए इसको लगाने का तरीका, योगफल में कह रहा है इसलिए हम इसको जोड़ेंगे, मित्रों जो पूर्ण संख्या है जैसे 5 है पूर्ण संख्या 4 है 7, इसको अलग कर लेंगे तो 5 + 4 + 7, और यहाँ जो है 3/4 मित्रों, 4/5 मित्रों, 3/8 ये कर लेंगे अलग, इन्हीं को हमें ध्यान रखना है, ऐसे कितना हो जाएगा मित्रों 40, कितना हो जाएगा मित्रों 40 हो जाएगा, और जब 40 हो जाएगा तो 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा मित्रों,
इसको काटेंगे तो 5 8 40 और 8 4 32 हो जाएगा मित्रों, 5 8 40 8 6 32 और 8 5 40 और 5 3 15 सबकी को जोड़ देंगे मित्रों तो कितना हो जाएगा 3 3 6 1 7 और 7 3 3 6 इधर से जोड़ेंगे तो 5 2 7 77 बटे कितना हो जाएगा मित्रों 40 और इधर पे प्लस में कितना है मित्रों ध्यान रखें तो ये 7 4 11 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। तो मित्रों ध्यान अगर दें इसको अगर हमें पूर्ण बनाना है तो कितना इसमें जोड़ दिया जाए, अगर हम ऑप्शन में देखें तो इसको अगर हम जोड़ दें जो कि 77, देखिए ध्यान से समझिए 77 बटे 40 प्लस मित्रों 3 बटे 40 जब जोड़ देंगे हर समान है तो 40 और 77 और 77 और 3 कितना हो जाएगा 80 और 40 दूना 80 मतलब 2 आ जाएगा और 15 2 17 एक पूर्ण संख्या बन गई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मित्रों। तो मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन वर्गमूल पे आधारित क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मित्रों सभी क्वेश्चन को देखिए, यहाँ दिया है 930.25 के वर्गमूल में कौन सा सबसे छोटी भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणामी पूर्ण संख्या बन जाए, पूर्ण संख्या मतलब दशमलव को हटा देना। अब देखिए इसका पहले वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल कितने का निकालेंगे 930.25। देखिए वर्गमूल आप देखिए मेरे चैनल पे एक वीडियो इस पे डला है, शॉर्टकट निकालने का तरीका है, तो इनको पहले निकालने, वर्गमूल निकालने का मतलब दो अंक पे दशमलव है तो वर्गमूल में एक अंक पे दशमलव निकलेगा, मतलब वर्गमूल दशमलव भूल जाइए, लास्ट में वर्गमूल में एक अंक पे लगा देंगे। तो 25 का वर्गमूल कितना है 5 आएगा, क्या ये अंक 5 है तो 5 हो जाएगा और 2 अंक कैंसिल हो जाता है। अभी किसके ये लगभग बराबर है तो देखिए यहाँ किसके बराबर होगा थोड़ा सोचना पड़ेगा, जैसे 30 का वर्ग कितना होता है 900 और 31 का क्या हो जाएगा इससे ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए क्या कर लेंगे हम लोग 30 लिख लेंगे और यहाँ 30 है और इसी का ये 305 का ही वर्ग है, आप चेक करके देख लीजिएगा और यहाँ 30.5 हो जाएगा, मतलब इसमें अब कितना घटाया जाए। अब देखिए ऑप्शन नंबर इतने में तो आएगा नहीं, मतलब घटाने का मतलब 0.5 नहीं अगर होता तो आसानी से मान जाता कि ये पूर्ण 30 हो जाता, क्योंकि 30.5 का मतलब 0.5 ना होना, अगर ये संख्या इसमें घटा दी जाए मतलब 0.5 घटा दिया जाए तो आंसर 30 आ जाएगा। 0.5 है किसमें 1/2 में है, 1/2 का मतलब 0.5, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मित्रों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।